सभी को मेरा आदाब नमस्कार। और देखिए आज मैं आपके बीच में अपना तो मैं पहले ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं, ये मेरा एक घर के अंदर छोटा सा एक मॉडल है ड्रीम प्रोजेक्ट का हमारा, जिसको कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसमें झरने की भी व्यवस्था की गई है। आप देखिए इसमें टोटली सीमेंट, पत्थर और ये कपड़े, ये आप देख रहे हैं कपड़े का इस्तेमाल किया गया है, कपड़े का पहाड़। और ये पहाड़ का जो रूप दिया गया है ये कपड़े और सीमेंट से दिया गया है। और ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप तो पहले शुरुआत में करता हूँ, जिस स्टूल में मैं बैठा था, अभी इसमें बैठ रहा हूँ मैं, ये स्टूल ये देखिए, इसको देखिए, ये जो हमारे घर की बहुत चीजें ऐसी होती है इनको हम लोग वेस्ट कर देते हैं, समझते हैं, उनको फेंक देते हैं, लेकिन हम उनकी चीजों का अगर अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो हमारे वो घर की एक उपयोगी वस्तु बन जाते हैं। देखिए ये स्टूल है, इसके हमारे ये जो हमारी पेंट की पिपिया थी हमारी, जो इनके ढक्कन गायब हो गई, वेस्ट थी, इसको हम लोग प्लास्टिक में फेंक देते हैं। लेकिन उसको मैंने भी प्रयास किया, मेरे श्रीमती जी के जिसमें ज्यादा योगदान है, उन्होंने इसके देखिए इसको पिपिया के ऊपर एक स्टूल बना दिया है, वो कितना खूबसूरत लग रहा है। नंबर एक चीज ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो चीज हम इनको बेकार समझते फेंक देते हैं, उन्हीं की अगर हम घर की एक अच्छी चीज बना लें, उपयोगी और खूबसूरत, और अपने घर के इस्तेमाल में ले लें, तो वो खूबसूरत चीजें हमारी नायाब चीजें बन जाती है। ये देखिए आप कोल्ड्रिंक की बोतल है, उसके बोतल का देखिए ये कैसा बनाया गया, इसमें पेड़ लगा दिए गए हैं, ये पेड़ तैयार हो गए हमारे। दूसरी चीज हमारे आप देखिए